तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप लोग? मुझे लगता है बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं अभी इस वक्त आ चुका हूँ सियाराम बाबा दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी बताऊंगा कि सियाराम बाबा दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग इंदौर से किस मार्ग से आए और कैसे आए। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो कैसे आए, तो देखिए बाबा के भी और भी दर्शन करना है तो आप लोग जरूर यहाँ पर आए और नर्मदा मैया भी स्नान करें, ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट में लिखेगा जय जय श्री राम। तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। जो रोड में आप लोगों को जिस रोड से मैं ले जा रहा हूँ ना, ये रोड बहुत अच्छा रोड है और ज्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मरी माता चौराहे से हमें यहाँ से सीधे जाना है, 15 बटालियन से यहाँ से हम सीधे चलेंगे मऊ नाके की तरफ। अब इसे एयरपोर्ट रोड भी कह सकते हैं, किला मैदान इसका नाम है इस रोड का। और इस तरफ न्यू जीटीसी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, यहाँ से सीधे चलना है हमें। और मेरे साथ है पवन। जय श्री राम। गाइस जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए जय जय श्रिया सियाराम बाबा के पास। तो ये आ चुका है मऊ नाका चौराहा। मऊ नाका चौराहे से हमको सीधे जाना है अन्नपूर्णा मंदिर वाला रोड। चलिए तो ये आ चुका है दशहरा मैदान। दशहरा मैदान से भी सीधे हमें चलना है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो कमेंट करिएगा जय श्री राम। और वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा। जो भी जाना चाहता है सियाराम बाबा जी के दर्शन करने, तो उसके लिए ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वहीं तक का रास्ता बताऊंगा आपको लोगों को कौन कौन से गांव पड़ेंगे, क्योंकि 2 से 3 रास्ते हैं जाने के लिए। और मैं आपको सबसे शॉर्टकट रास्ता, और रास्ता भी बहुत अच्छा, ना ही ज्यादा ट्रैफिक वगैरह कुछ आपको नजर आएगा। तो चलिए हर हर महादेव। झूलेलाल मंदिर और ये आ चुके हैं माँ अन्नपूर्णा मंदिर। ये है अन्नपूर्णा मंदिर। हर हर महादेव। जय हो अन्नपूर्णा मैया की। जय हो। यहाँ से हमें सीधे चलना है। ये अन्नपूर्णा मंदिर से हम सीधे आए हैं। ये ब्रिज आता है, ब्रिज चढ़ने के बाद यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, तो हमने लेफ्ट टर्न लिया और रऊ के लिए निकल पड़े। ये है रऊ रोड, इससे हमें सीधे जाना। वैसे अगर आप लोग देवास से भी अगर सियाराम बाबा जाना चाहते तो मेन हाईवे आपको पता ही है, बाईपास, बाईपास से भी आ सकते हैं रऊ की तरफ, मुंबई हाईवे रोड। वैसे अगर आप लोगों को बस से जाना है तो वैसे बस की भी सुविधा है, वहां तक की नहीं है, बट बड़वाई वाली बस में आप बैठ सकते हैं, बड़वाई वाले चौराहे पे उतर के वहां से राइट टर्न लेकर मंडलेश्वर वाली बस में बैठिए। मंडलेश्वर नहीं जाना है हमें, मंडलेश्वर के पहले ही एक गांव पड़ेगा, उस गांव का नाम मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। और एक और रास्ता है सनावत तरफ से, सनावत तरफ से भी जाएंगे तो आप वहीं पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। मैं आप लोगों को बाय रोड दिखा रहा हूं, बाइक से जा रहा हूं सियाराम बाबा। आ चुका है रऊ चौराहा। इस चौराहे से भी हमें सीधे ही जाना है। ये अभी ब्रिज बन रहा है रऊ का, जो कि पीतमपुर तरफ जाता है, और यहां से हमें मऊ रोड जाना है एकदम सीधे, ठीक है? और ये देवास बाईपास है, इधर बाईपास से भी आ सकते हैं। इधर इस चौराहे से हमें यहाँ से भी हमें सीधे ही जाना है। और आपको अगर गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवाना है तो पेट्रोल पंप है, इस हाथ में भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ से भी सीधे ही चलना है, पर गाड़ी आराम से चलाइएगा, बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये अभी 4 लेन बन जाएगा, बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा ये रोड, अभी काम चल रहा है। और यहाँ पे भी शायद बीच में आप ब्रिज बनेगा, एक 2 ब्रिज बन जाएंगे, एक मुंबई हाईवे पीतमपुर वाला, ठीक है? तो ये अपन सीधे चल रहे हैं यहाँ से। ये आप लोगों को जिस रोड से मैं ले जा रहा हूँ ना, ये रोड बहुत अच्छा रोड है और ज्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 2 रास्ते कट जाते हैं, यहाँ से मऊ अंदर सीधे जाना, ठीक है, और एक मुंबई हाईवे राइट टर्न लेना। तो हम इस रास्ते भी जा सकते हैं और इस रास्ते से भी जा सकते हैं, बट हम अभी मऊ के अंदर से जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रास्ता नजर आएगा आप लोगों को, शॉर्टकट रास्ता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा। अगर बाइक से, 4 व्हीलर से आ रहे हैं, 2 व्हीलर, तो आपको सीधे चलना है। ठीक है, मऊ शहर 7 किलोमीटर आपको अंदर चलना है, पर पूरा मऊ शहर के अंदर भी जाना है, ठीक है ना? मऊ से भी हम सीधे ही सीधे जा रहे हैं, कहीं नहीं मुड़ना है। ये देखिए, आई लव मऊ,
मऊ से भी हम सीधे ही सीधे जा रहे हैं, जहाँ से अभी घुसे थे ना वहाँ से सीधे ही सीधे हैं। वहाँ पर दो रास्ते हैं, एक ही अभी ब्रिज बन रहा है, यहाँ से भी रास्ता था ठीक है, इधर से भी जा सकते थे अपन मुंबई रोड ठीक है, और इधर से भी जा सकते हैं। तो चलिए ये ब्रिज चढ़कर हम चलते हैं, यहाँ से भी सीधे ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है ठीक है। देखिए हम यहाँ से भी सीधे आ चुके हैं, कहीं नहीं मुड़ना है। द्वार भी आ चुका है, यहाँ से हमें अब लेना है लेफ्ट टर्न ठीक है, यहाँ से हमें ये द्वार से लेफ्ट टर्न लेना है, इधर दिखाता हूँ ठीक है, ये लेफ्ट टर्न लेना है, कहीं नहीं मुड़ना, लेफ्ट टर्न लिए और यहाँ से हमें इस रोड से कब सीधा जाना है। ये पूरा का पूरा आर्मी कैंप एरिया है, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, पर थोड़ी सी हम बना रहे हैं रोड दिखाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए। ये चौराहा आ गया है ठीक है, इस चौराहे से भी हमको कहीं नहीं मुड़ना है, सीधे ही चलना है, यहाँ से हम सीधे जा सकते हैं या तो इधर से भी हम जा सकते हैं, बट हमको सीधा रास्ता अपनाना है, तो हम यहाँ से सीधे चलेंगे। लिखा हुआ है सब मुंबई अहमदाबाद, तो हमको यहाँ से हमको लेना है राइट टर्न, याद रखिएगा इस चौराहे से। अगर अपन सामने से भी आते ना तो आप इस रास्ते से भी आ सकते थे, पर हमको, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से हमको लेना राइट टर्न, ये देखिए सत्यमेव जयते, यहाँ से लेना राइट टर्न, इधर से आएंगे तो सीधा लेना है, यहाँ से लेना राइट टर्न, यहाँ से एकदम सीधे चलना है हमको, कहीं नहीं मुड़ना। और यहाँ से भी दो रास्ते कट गए, ये देखिए दो रास्ते कट दिए, तो हमको राइट वाले रास्ते से नहीं जाना है, हमको जाना है एकदम सीधा वाला रास्ता ठीक है, यहाँ पे मुड़ना भी नहीं है, हमको सीधा जाना है। ये देखिए ये मुंबई रोड ठीक है, यहाँ से हमें महेश्वर रोड भी और मुंबई रोड भी, यहाँ से हमें सीधे चलना है। तो जय श्री राम, कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करेगा। हाँ, वॉइस की आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी वॉइस, क्योंकि हवा भी काफी चल रही है। देखिए यहाँ से सीधा चल रहे हैं हम, यहाँ से महू की सीमा समाप्त हो चुकी है, महू शहर में पधारने के लिए धन्यवाद ठीक है। ये जो क्वार्टर बने हुए, ये जो बिल्डिंगें बनी हुई, यहाँ से महू खत्म हो चुका है, महू शहर। अब यहाँ से भी हमको सीधे ही चलना है। ये है डोंगर, हाँ महू पार करते से डोंगर लग जाएगा, डोंगर गांव जाने का रास्ता इस तरह है, डोंगर गांव, यहाँ से पर हमें कहीं नहीं मुड़ना, हमें तो सीधे ही चलना है। ये अभी हम आ चुके हैं गवली पलासिया ठीक है, आप लोगों का नाश्ता वास्ता करना है ना, तो नाश्ता करने के लिए होटल काफ़ी मिल जाएगी आप लोगों को जगह जगह ठीक है। तो ये गवली पलासिया, यहाँ पे भी नाश्ता वगैरह कर सकते हैं आप, और यहाँ से हमको सीधे चलना है। रास्ता आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, और जिसको भी जाना हो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हमने गवली पलासिया पार कर दिया, गवली पलासिया पार करने के बाद, मतलब जैसे गवली पलासिया पार करेंगे आगे ये हरा बोर्ड नजर आएगा, जहाँ पर डायरेक्शन बना हुआ है मंडलेश्वर मानपुर ठीक है, और यहाँ पर भी इसे बड़े भी अक्षरों में लिखा हुआ है मंडलेश्वर महेश्वर वांचू पॉइंट मुंबई शिरडी सेंधवा ठीक है। तो ये मुंबई सीधे जाएगा, बट हमें जाना है मंडलेश्वर रोड पर जाम गेट की तरफ ठीक है। तो यहाँ से हमें, इस चौराहे से हमें राइट लेना है जिस तरफ से डंपर जा रहा है, तो हमको चलना है जाम गेट की तरफ, तो यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट टर्न ठीक है। आप करिएगा, गवली पलासिया पूरा पार नहीं होगा ठीक है, गवली पलासिया के बीच में मतलब आ जाएंगे अपन ठीक है। तो यहाँ पर चौराहा देखिए, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है ठीक है, जय श्री बालाजी था गवली पलासिया ठीक है। तो ये चौराया है, यहाँ से हमको जाना है जाम गेट की तरफ, माँ पार्वती माता जी धाम जाम गेट महू मंडलेश्वर मार्ग, ये लिखा हुआ है ठीक है जाम गेट। तो इस रास्ते से हमें जाना है, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है और काफ़ी अच्छा रास्ता है, और भी हमारे मित्रगण आने वाले हैं तो इसलिए हम रुके हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी लग रही होगी, और भी शेयर करिए ताकि लोग सियाराम बाबा के दर्शन करने का अगर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलेगी।
टू व्हीलर फोर व्हीलर से जाना चाहते हैं तो इस रोड से जा सकते हैं। देखिए यहाँ से हमें सीधे ही जाना है, ठीक है। हमने लेफ्ट टर्न लिया जाम गेट के लिए, अब यहाँ से हमें सीधे जाना है और रोड बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत मस्त रोड है और यहाँ से आपको 15 मिनट 20 मिनट में आप जाम गेट टच कर दोगे। तो चलिए चलते हैं। आशापुरा से हम सीधे आए बड़गोंदा आ गए। बड़गोंदा से भी अब हमको सीधे ही चलना है। जितने भी गांव आगे सबको मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आप लोगों को खाने पीने की चिंता पार करने के बाद हमको बीच में नदी मिलेगी, नखेरी नदी। नखरा बोलते हैं क्या? छोटी जा देखिए वो मंदिर दिख रहा है, माता रानी का, पार्वती माता का मंदिर। ये आ चुका है यही बड़ी जान के, बिल्कुल जाइए पार्वती माता का दर्शन करने। इसका ये रास्ता आप ऊपर गाड़ी ले जा सकते हैं। आई लव जाम गेट। ये आ चुके हैं अपन जाम गेट। रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। अभी फाइनली हमें ना जाम गेट आ चुके हैं। ये देखिए ये है जाम गेट, रास्ता काफ़ी खूबसूरत था। ये है जाम गेट और यहाँ पर आपको व्यू देखने को बहुत खूबसूरत मिलेगा। ये है हमारे राकेश भैया जो हमारे साथ है और ये है हमारे लंकेश भैया। जय श्री राम। देखने से पहले आप बंदर को देखिए, लंगूर को जो कि केला खा रहा है। व्यू देखिए, धुआं ही धुआं नज़र आएगा, कोहरा कोहरा। बहुत अच्छा व्यू नज़र आएगा आप लोगों को और यहाँ से सिर्फ हमें आधा से पौन घंटा लगेगा। ये सब लोग साथ में ही हैं। से हम रवाना हो रहे हैं और जाम गेट को अगर आप लोगों को ऊपर जाना है ना तो यहाँ पे 10 रुपए की देना है। सोमा खेड़ी फाटा, तो ये सोमा खेड़ी फाटा है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं सियाराम बाबा, यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। बट एक और रास्ता है जो आप लोगों को शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, ठीक है, गाँव के अंदर से। तो हम सोमा खेड़ी के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे। हम जाम गेट से नीचे उतरे, जाम गेट से नीचे उतरने के बाद एक गांव आएगा, गांव से भी सीधे ही आना है, हमको कहीं भी नहीं मुड़ना है, सीधे ही रोड आना है, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये देखिए ये तो जाम गेट वाला रोड। यहाँ से हम आए तो यहाँ से हम सीधे जाएंगे तो मंडलेश्वर आ जाएगा, महेश्वर आ जाएगा, ठीक है। बट ये सोमाखेड़ी फाटा, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। लेफ्ट जाने के बाद गांव आएंगे, काफ़ी सारे गांव आएंगे, हम देखेंगे। तो यहाँ से अगर आप महेश्वर जाना है और मंडलेश्वर जाना है तो यहाँ से भी आप सीधे जा सकते हैं, यहाँ से भी पहुँचने का मार्ग है, बट हम अंदर से चलेंगे। अतिगण भी पीछे है। सियाराम बाबा जाने को रास्ता कौन सा है? ये वाला। कौन सा? ये मतलब ये फाटे का नाम कौन सा क्या है? ये बागदरा फाटा। बागदरा फाटा, बागदरा, बागदरा, अच्छा बागदरा फाटा। और वो सोमा खेड़ी फाटा भी है ना? ये भी यही है, वही है, दोनों यही है, ठीक है। तो इस तरफ से जाएंगे तो ये भी रास्ता है क्या? मंडलेश्वर वाला से भी रास्ते, मंडलेश्वर मार्ग। तो इधर से भी सियाराम बाबा पहुंच सकते क्या? मंडलेश्वर से प्रसाद होके जा सकते हो ना। अच्छा, तो ये वाला रास्ता अच्छा है कि वो वाला रास्ता अच्छा है? रास्ता वाला भी अच्छा है, ये शॉर्टकट है, नर्मदा पार नाव से करना रहेगा। अच्छा, ये नर्मदा, तो ये ज्यादा बेस्ट है, ये पास में रहेगा। ये कौन सा गांव आ जाएगा अंदर? सोमाखेड़ी से कवोड़िया कुंडिया होके नांद्रा जाना पड़ेगा। हाँ, और नांद्रा से आपको नाव से जाना रहेगा। नांद्रा से नाव सुलगांव जाके, हाँ नांद्रा, अच्छा सॉरी धरगांव से सुलगांव और सुलगांव से फिर नाव से उस पार जाना रहेगा। अच्छा ठीक है। तो ये जो गांव है ये वाला कौन सा गांव? सोमाखेड़ी। इसमें सोमाखेड़ी, तो गाइस अपन को यहाँ से इस रोड से जाना है सोमाखेड़ी। तो चलिए चलते हैं। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। तो इस गांव के अंदर से हम जा रहे हैं, ठीक है, चुके हैं सोमाखेड़ी गाँव, ठीक है। ये कौन सी नदी है यहाँ से भी, ठीक है, सीधे चलने दो, सीधे चलो। मेरा गाँव मेरी अयोध्या, जय जय श्री राम। चुके सोमाखेड़ी गांव, यहाँ से देखिए मार्ग है, यहाँ से अपन को राइट टर्न लेना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है संत सियाराम बाबा भटियाण ओमकारेश्वर धरगांव कवड़िया। तो यहाँ से हमको मुड़ना है, ठीक है। यहाँ से आप कैसे किसी से भी पूछ सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ भी है सियाराम बाबा जाने का मार्ग। क्यों ये वाला शॉर्टकट रास्ता भैया? सियाराम बाबा है ना, ये शॉर्टकट है। आगे चल के आपको गाँव बहुत अच्छा नजर आएगा यार, बहुत सुंदर गाँव है ये अंदर से। ये देखिए कवड़िया, सीधे सोमाखेड़ी है ये गांव। तो ये पुल आ जाता है, यहाँ से भी हमको सीधे जाना है, इधर नहीं मुड़िएगा आप, सीधे चलिएगा राइट लेफ्ट टर्न। ये लेफ्ट टर्न लिया,
जय श्री राम। ये है मनीष भैया, ये है लंकेश भैया, और भी ज्यादा पीछे आ रहे हैं, और ये है पवन भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खेत कलियान का आनंद लेते हुए यहाँ से कावड़िया के लिए 2 टर्न रास्ते हो गए, ठीक है। तो हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो यहाँ से लेफ्ट लिया हमने। तो ये आ चुका है कावड़िया गांव। तो कावड़िया गांव हो चुके हैं, इस नदी का नाम नहीं पता, पर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तो ये कावड़िया गांव से हमने लिया राइट टर्न लिया और ये सरकारी स्कूल आ गया। ये स्कूल है कावड़िया स्कूल, यहाँ से हमें सीधे ही जाना है, कहीं नहीं मुड़ना। देखो यहाँ से ना 2 रास्ते कट जाते हैं, इधर दो रास्ते, तो राइट हैंड नहीं जाना हमें, लेफ्ट में ही सीधे जाना है। ये राइट इधर तरफ नहीं जाना है, यहाँ से सीधा जाना है, सीधा में नहीं मुड़ना, कहीं नहीं मुड़ना, सिर्फ सीधे ही सीधे जाना है। ये नदी का एकदम रास्ता पकड़ लीजिए, इस नदी के बराबर हमें जाना है। ये नदी है, नदी का, इस नदी का नाम नहीं पता मुझे, बट जहाँ तक आप चलते चलेंगे ना, वहाँ तक आप जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोग। अब एक और गांव आ चुका है यहाँ पर। सारे गांव बहुत अच्छे हैं यार। ये देखिए पुल आ गया, हर हर महादेव शंभु। हम देखिए कहीं भी नहीं मुड़ना, सीधे ही सीधे आना है। कुछ रास्ते आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इधर जाना ही, बट वहां से भी सीधे ही आना है आप लोगों को। और जहां से कट वाला रास्ता है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कहां से आपको मुड़ना है। देखिए ये गांव आ गया हरस गांव आ गया। हरस गांव से भी हमें सीधे ही चलना है, कहीं नहीं मुड़ना है, रास्ता एकदम सीधा है। इतना अच्छा लग रहा है ये गांव, स्वच्छता देखे, साफ सड़क दिख रही पूरी, घर भी अच्छे दिख रहे हैं यार, सब नए घर बने हुए। सीधे चलना है यहाँ से हमें, डीजल है यहाँ से। देखिए ये आ गया गांव। आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, बट हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से सीधे भी जा सकते हैं, ठीक है। धरावरा गाँव है, यहाँ से सीधा जाना है हमें, यहाँ पे भी नहीं मुड़ना है। धर गांव से भी कहीं नहीं मुड़ना, एकदम सीधा ही चलना है, ठीक है। यहाँ से अपन जाएंगे तो है ना, आगे जाके हमको मुड़ना पड़ेगा, जो कि रोड वो वहां तक जाएगा, तो हम इस रोड से जा रहे हैं, ठीक है, जो कि पास में हमको पास पड़ेगा। बट ये ब्रिज बन जाएगा, अभी तो बना हुआ नहीं है ब्रिज। ये आ गए इस गांव के अंदर अपन, ये बाहर निकल गए, ये मेन रोड पर आ गए हम, इस मेन रोड पर आ गए। यहाँ से भी हमें सीधे चलना, कहीं नहीं मुड़ना, यहाँ से हमें सीधे जाना बस। अब ये आ चुके हैं हम, यहाँ पर हम आ चुके हैं धर गांव व्यापारी संघ, ठीक है, दर्शन हेतु भट्टियाण पहुंच मार्ग, सियाराम बाबा का फोटो भी लगा है। यहाँ से हमें मुड़ना है, दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर है यहाँ से गो गांव, ठीक है गाइस। इस गांव से ही हमें मुड़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दर्शन हेतु भट्टियाण पहुंच मार्ग, दूरी 4 किलोमीटर। धर गांव से पास में ही है जो वो रास्ता मैंने बताया, जहाँ पर पुल नहीं बना हुआ है, उससे आएंगे ना आपको तो सिर्फ आपको यहाँ पे सबसे आधा किलोमीटर ही चलना है और आप लोगों को ये बोर्ड मिल जाएगा, जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बोर्ड आप लोगों को मिल जाएगा और यहीं से हमको लेफ्ट हैंड तरफ मुड़ना है और यहाँ से हमको निकलना है सियाराम बाबा के लिए। चलिए जय श्री राम। तो हम गोगांव के लिए रवाना हो चुके हैं, 4 किलोमीटर है यहाँ से। ये है धर गांव से हमने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ पर आप लोगों को पोस्टर भी मिल जाएगा। तो ये आ चुका है गोगावा, ये है गोगावा, यहाँ से भी हमें, यहाँ से रास्ते कटेंगे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है, बट हमें यहाँ से सीधा जाना है, ना हमें राइट लेना है ना हमें लेफ्ट लेना है, 2 रास्ते हैं यहाँ पर। बट हमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संत सियाराम बाबा जी नर्मदा पहुँच मार्ग, तो यहाँ से हमें सीधे जाना है। तो ये है गोगावा, देखिए बैलगाड़ी वगैरह सब मिलेंगे, यहाँ से सीधे चलना है बस। अब पहुँचने ही वाले हैं, कुछ चढ़ का और इंतजाम, फिर माई नर्मदा के दर्शन, मात्र से पापों की मुक्ति कर
मुक्त हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें राइट नहीं लेना है, यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। आपको लगेगा नहीं कि रास्ता है, पर रास्ता है यहाँ से। यहाँ से राइट नहीं लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से लिखा भी हुआ है, ठीक है, जय सियाराम बाबा, ठीक है। तो ये अपन घाट की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता ध्यान रखना, सबसे अच्छा रास्ता है, बेटर रास्ता है आप लोगों को। पर गंदगी बहुत है। नहीं ये वो ठीक है ना, भैंस है, गाय है, गोबर वगैरह तो होना ही चाहिए, गाँव का नज़ारा होना ही चाहिए। ये बस पहुंच गए अपन सियाराम बाबा, जय श्री राम। भटियान सियाराम बाबा का यहाँ पर स्थान है, उस गांव का नाम है भटियान, जो नर्मदा के उस पार आएगा भटियान गांव। फाइनली अपन आ चुके हैं गो गांव, और यहाँ पर नर्मदा माई के दर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाया, इसी रास्ते से आइएगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर से आएंगे तो आप, और दो तीन रास्ते और है। ये देखिए माई नर्मदा के दर्शन कर लीजिए, हरा नर्मदे। पीने की सब व्यवस्था है, देखिए केले की चिप्स बना रहे भैया। और ये नर्मदेश्वर महादेव मंदिर गोगांव, ये देखिए नर्मदा जी के दर्शन कर लीजिए, और नाव से हम जाएंगे उस पार। वो जो गांव दिख रहा है वो है भटियाण, और उस नाव से हम नाव से बैठ कर जाएंगे उस पार, जो कि नाव का किराया है मात्र एक जने का 15 रुपए। रामाई में मछलियाँ बहुत है, तो मछलियों के खाने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। ये चने का कितना बिक, 10 रुपए का, ये भी 10, तो ये 10 रुपए का है। और आप लोगों को चिप्स अगर खाना हो, केले की चिप्स बनती है मस्त भैया, ताजी चिप्स बना रहे केले की। तो नाव से जाएंगे उस पार, हर हर महादेव शुशंभु। तो नाव का किराया वगैरह भी पूछेंगे। जय हो नर्मदा मैया, पहले नर्मदा जी को प्रणाम कर लो, जय हो नर्मदा मां। तो चलिए हर हर महादेव शुशंभु, जय श्री राम। बाइक भी ले जा सकते हो उधर, एक जने का कितना रुपए लगता है उधर जाने का? 5 रुपए एक जने, जाने 15-30 रुपए सवारी, आने जाने, आना जाना 30 रुपए, मतलब एक 15 इधर 15 उधर। तो गाड़ी का भी लगता है क्या? हां 15 उसका भी, उसका भी ऐसा। अपन उस पार जा रहे हैं।